ठीक है, मेंबर फंक्शंस क्या होते हैं? इट इज यूज टू डिफाइन डेटा मेंबर ऑफ क्लास, डिफाइन डेटा मेंबर ऑफ क्लास. किसी भी क्लास के डेटा मेंबर्स को डिफाइन करने के लिए हम क्या बनाते हैं? मेंबर फंक्शंस बनाते हैं. ठीक है, क्योंकि एक एक्चुअल प्रोग्रामिंग अप्रोच यही होता है कि डेटा मेंबर्स आप डिक्लेयर करिए, मेंबर फंक्शंस बनाइए या मेथड्स जिसको आप बोलते हो वो बनाइए, और डेटा मेंबर्स को उसके अंदर डिफाइन करिए. जैसे अभी अपन ने जो प्रोग्राम देखा कि डेटा मेंबर अपन डिफाइन कर रहे हैं उसको डायरेक्टली कॉल कर रहे हैं, ऐसा प्रोफेशनली नहीं माना जाता. इट इज़ नॉट ए प्रोफेशनल अप्रोच. प्रोफेशनल अप्रोच क्या होता है कि जो डेटा मेंबर्स होने चाहिए वो ऑलवेज क्या होना चाहिए? प्राइवेट होना चाहिए. और उस डेटा मेंबर्स को आपको मेंबर फंक्शंस के थ्रू कॉल करना. यू शुड ऑलवेज कॉल द डेटा मेंबर्स यूजिंग मेंबर फंक्शंस. इट इज यूज्ड टू डिफाइन डेटा मेंबर ऑफ क्लास. ठीक, वी क्रिएट स्टैटिक मेंबर फंक्शन. वी क्रिएट स्टैटिक मेंबर फंक्शन टू डिफाइन स्टैटिक डेटा मेंबर. And we create dynamic member function to define dynamic and data member. ठीक है, तो हम static, we create static member functions. हम क्या बनाते हैं? Static member functions बनाते हैं to define static data members. किसी भी class के अंदर static data member को define करने के लिए हम क्या बनाएंगे? स्टैटिक मेंबर फंक्शन बनाएंगे. और डायनेमिक डेटा मेंबर्स को डिफाइन करने के लिए क्या बनाएंगे? डायनेमिक मेंबर फंक्शंस बनाएंगे. ठीक है, तो मेंबर फंक्शंस आपके दो टाइप के होते हैं. यदि अपन बोलें टाइप ऑफ मेंबर फंक्शन, आपने C++ लैंग्वेज से भी पढ़ते हुए आ रहे होंगे फंक्शंस के टाइप, वैसे इसमें भी होते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा दो तरीके से हैं. पहला, अकॉर्डिंग टू मेमोरी एलोकेशन. यदि अपन मेमोरी एलोकेशन वाइज देखें, फर्स्ट वन इज द स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन वाइज देखें, तो पहला कौन सा होता है? स्टैटिक होता है. और दूसरा कौन सा होता है? डायनेमिक होता है. ठीक है, स्टैटिक मतलब ये होता है कि इस, मैं आपको समझा चुका हूँ, स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन मतलब जो कंपाइलेशन टाइम में होता है फिक्स्ड होता है, और डायनेमिक क्या होता है? रन टाइम में होता है. ठीक है, तो स्टैटिक मेंबर फंक्शन is used to define static data member. इनके अंदर हम सिर्फ static data member ही define करते हैं. It will be accessed by class name. जो आपके static member functions होते हैं उनको हम class name के through access करते हैं. Okay? Static member functions का जो syntax है वो क्या है? Static return type मेथड नेम. करेक्ट, ये इसका सिंटैक्स है. और जो डायनेमिक होते हैं, ठीक है, डायनेमिक क्या होता है, मैंने आपको डायनेमिक डेटा मेंबर के अंदर क्लियर कर दिया है कि इसके लिए मेमोरी कब क्रिएट होती है? रन टाइम में क्रिएट होती है. और ये किसके लिए बनाया जाता है? इट इज यूज्ड टू डिफाइन डायनेमिक डेटा मेंबर ऑफ क्लास. क्लास के जितने भी डायनेमिक डेटा मेंबर्स आप लेते हैं उन डेटा मेंबर्स को डायरेक्टली एक्सेस नहीं करना है. दे शुड बी डिफाइन ऑन डायनेमिक मेंबर फंक्शन ब्लॉक. ओके, डायनेमिक के लिए किसी भी टाइप का कोई कीवर्ड यूज नहीं होता है. इसमें आपको सिर्फ रिटर्न टाइप देना है, मेथड का नाम देना है. ठीक, एक्सेस स्पेसिफायर बाय डिफॉल्ट क्या होता है? डिफॉल्ट होता है. आप यदि कोई एक्सेस स्पेसिफायर देना चाहते हो, जैसे मैंने आपको बोला था कि पब्लिक बनाना है तो आप पब्लिक बना दो, प्रोटेक्टेड बनाना है तो प्रोटेक्टेड बना दो, प्राइवेट बनाना है तो आप प्राइवेट बना दो. तो एक्सेस स्पेसिफायर क्या है? ऑप्शनल है. यदि जावा में कोई भी एक्सेस स्पेसिफायर आप नहीं देते हो तो बाय डिफॉल्ट क्या रहता है? वो बाय डिफॉल्ट पब्लिक नहीं होता जावा में, डिफॉल्ट होता है. क्या होता है? डिफॉल्ट. यदि हम कोई भी एक्सेस स्पेसिफायर नहीं देते हैं देन देयर स्कोप विल बी डिफॉल्ट. डायनेमिक डेटा मेंबर्स, डायनेमिक मेंबर फंक्शन, डायनेमिक मेंबर फंक्शन विल बी कॉल्ड बाय ऑब्जेक्ट. जो डायनेमिक मेंबर फंक्शंस होते हैं वो किसके थ्रू कॉल होते हैं? ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल किए जाते हैं. ओके, इसके बाद मेंबर फंक्शंस का जो दूसरा टाइप है, अकॉर्डिंग टू पैरामीटर्स.
पहला टाइप मैंने आपको मेंबर फंक्शंस का बताया, अकॉर्डिंग टू मेमोरी एलोकेशन। मेमोरी एलोकेशन वाइज दो टाइप के हैं, स्टैटिक और डायनेमिक। और अकॉर्डिंग टू पैरामीटर्स, पैरामीटर्स मतलब डेटा सेंड करना है कि नहीं करना है, मेथड को डायरेक्टली विदाउट डेटा कॉल करना है कि विथ डेटा कॉल करना है, दैट इज कॉल्ड अकॉर्डिंग टू पैरामीटर्स। इसके अंदर भी दो टाइप के होते हैं, पहला डिफॉल्ट और दूसरा पैरामीटराइज्ड। ठीक है, दोनों के अलग अलग स्कोप हैं। फर्स्ट इज द डिफॉल्ट, ठीक है, इट विल नॉट कंटेन एनी आर्गूमेंट, ऐसा फंक्शन जो किसी भी टाइप का कोई आर्गूमेंट्स कंटेन नहीं करता है उसे अपन क्या बोलते हैं, डिफॉल्ट बोलते हैं। ठीक है, जैसे इसका सेंटेक्स है यहाँ पे रिटर्न टाइप, रिटर्न टाइप में वॉइड दे सकते हो या इंट दे सकते हो, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है। यहाँ पर आएगा फंक्शन का नाम, इसे बोलेंगे अपन डिफॉल्ट। पैरामीटराइज्ड में क्या होगा, इट विल कंटेन आर्गुमेंट्स टू होल्ड वैल्यूज। ठीक है, जो वैल्यूज को होल्ड करने के लिए क्या करेगा, ये आर्गुमेंट्स कंटेन करता है। रिटर्न टाइप, फंक्शन नेम, यहाँ पर जो भी आपको आर्गुमेंट्स देना है, इसमें आपको आर्गुमेंट्स के लिए डेटा टाइप, मतलब ये पूरा पैरामीटर हो जाएगा, डेटा टाइप आर्गुमेंट्स वन, फिर डेटा टाइप आर्गुमेंट्स टू, और यहाँ पर इसको हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। ये किस टाइप का फंक्शन है, पैरामीटराइज्ड फंक्शन, पैरामीटराइज्ड। ओके, तो इसमें आपको यहाँ पे रिटर्न टाइप इन द सेंस, यहाँ पर यदि आप वाइड देते हो, ठीक है, रिटर्न टाइप में क्या हो सकता है, देखो दोनों चीज़ें हो सकता है। यहाँ पर हम यदि वाइड देते हैं, सपोज वाइड का मतलब क्या होता है, नल, मैंने दे दिया वाइड फंक्शन वन, ठीक है, फन, तो इसके अंदर आपको पूरा स्टेटमेंट आप यहीं पे डिस्क्राइब कर सकते हो। और यदि आपने दे दिया इंट फंक्शन, इंट फन, तो फिर आपको यहाँ पे रिटर्न करना पड़ेगा। ठीक है, तो मतलब एक तरह से बोला जाए कि फंक्शंस के जो आउटपुट होते हैं, ठीक है, रिटर्न वैल्यू, फंक्शंस के जो आउटपुट हैं वो दो टाइप के, देखो फंक्शंस के अंदर जो आप यहाँ लिखते हो वो उसका आउटपुट डिसाइड करता है, और जो आप यहाँ लिखते हो वो उसका इनपुट डिसाइड करता है। ठीक है, डिफॉल्ट के अंदर हमने यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा, मतलब इसके अंदर हम किसी भी टाइप का कोई इनपुट पैरामीटर्स को मैप नहीं कर सकते, तो फंक्शन का ये इनपुट पैरामीटर्स होता है और फंक्शंस का ये आउटपुट होता है। ठीक है, यदि आपने नल दिया, देयर मीनिंग इज दैट कि आपको पूरा का पूरा कोड स्टेटमेंट्स आपको यहाँ लिखना है। और यदि आपने नल नहीं दिया, फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पे इंटीजर दिया या कैरेक्टर दिया या फ्लोट दिया, तो फिर आपको उस तरीके की वैल्यू आपको यहाँ पे रिटर्न करनी होगी। ठीक है, तो फंक्शंस के आउटपुट टाइप से ही पता चल जाता है कि आपको रिटर्न करना है कि नहीं, इसमें कंपलसरी आपको रिटर्न करना ही है। और रिटर्न टाइप फंक्शंस कब यूज़ किए जाते हैं, जब उनका आउटपुट आपको किसी दूसरे प्रोग्राम में सब्स्टिट्यूट करना है। एक होता है आउटपुट डिस्प्ले करना और एक होता है आउटपुट सब्स्टिट्यूट करना। डिस्प्ले करने के लिए इसका यूज़ करेंगे, सब्स्टिट्यूट करना मतलब किसी वेरिएबल में जाकर के सब्स्टिट्यूट करना, उसको आगे भी यदि आपको प्रोसेस करना रहेगा, रिटर्न टाइप फंक्शन। ठीक है, उसको ये क्या करेगा, कोई ना कोई रिजल्ट आपको रिटर्न करके देगा। और ये जो फंक्शंस होते हैं पैरामीटराइज्ड फंक्शन, देखो ये फंक्शन ऐसा है जिसके अंदर रिटर्न टाइप भी हो सकता है और इसके अंदर अपन इनपुट पैरामीटर्स भी पास कर सकते हैं। देयर मीनिंग इज दैट कि आपको रन टाइम में फंक्शंस जब आप कॉल करते हो तो आपको वैल्यू भी पास करनी है और उसका आउटपुट भी आपको सब्स्टिट्यूट करना है, तो वो भी आप इसके अंदर बना सकते हो। सिर्फ इनपुट पास करना है, आउटपुट आपको सब्स्टिट्यूट नहीं करना है, वैसा भी आपको बना सकते हो। ठीक है, तो चार टाइप के मोस्टली क्या होते हैं, फंक्शंस होते हैं। ठीक है, सी लैंग्वेज में भी आपने पढ़ा होगा कि फंक्शंस के कितने टाइप होते हैं। ठीक है, विथ रिटर्न टाइप उसमें बोला जाता है, विदाउट रिटर्न टाइप, तो विथ रिटर्न टाइप विदाउट रिटर्न टाइप वही है, विथ रिटर्न टाइप मतलब जो आउटपुट रिटर्न करता है। ठीक
ठीक है, विदाउट रिटर्न टाइप मतलब वॉइड, किसी भी फंक्शन के सामने वॉइड लिखा है देन मीनिंग इज दैट इट इज नॉट रिटर्निंग एनी वैल्यू, या किसी भी टाइप की कोई वैल्यू उसको रिटर्न नहीं कर रहा है, आया समझ में? ओके, तो ये चीज ध्यान रखना, फंक्शंस बहुत ज्यादा यूज होगा, इसको फंक्शन भी बोलते हैं, मेथड भी बोलते हैं, मेंबर फंक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। लेकिन एक्चुअल जो इसका पर्टिकुलर डेफिनेशन है वो मेंबर फंक्शन है, इसको क्या बोलना चाहिए, मेंबर फंक्शन। लेकिन अपन सी लैंग्वेज से पढ़ते हुए आते हैं तो हमारे जो आदत में क्या रहती है, फंक्शन, तो अपन इसको फंक्शन 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 बोलते रहते हैं, ठीक है। जावा में इसको मेथड भी बोलते हैं, तो ये तीनों चीजें एक ही है, इसमें कोई ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है कि फंक्शन अलग होता है, मेथड अलग होता है, मेंबर फंक्शन अलग होता है। देखो बोलने के अलग अलग तरीके हैं, इट्स हैव नो एनी, फंक्शंस मतलब वही जो फंक्शनैलिटी कंटेन करता है, ठीक है। मेथड मतलब आपका अप्रोच क्या होगा किसी भी फंक्शनैलिटीज को डिफाइन करने के लिए, इसलिए तो उसको क्या बोलते हैं, मेथड बोलते हैं, करेक्ट। तो समझ में आ गया, तो देखा जाए तो डिफॉल्ट के भी दो अलग अलग टाइप से आप डिफॉल्ट लिख सकते हो, और पैरामीटराइज्ड भी आप दो अलग अलग टाइप से लिख सकते हो। और इसके अंदर यदि आपको मेमोरी एलोकेशन को मैनेज करना है तो आप इसके सामने यदि स्टैटिक लगा दोगे तो क्या हो जाएगा, कंपाइल टाइम मेमोरी एलोकेशन हो जाएगा, और यदि आप स्टैटिक नहीं लगाओगे तो क्या होगा, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन होगा। तो इनको भी मेमोरी वाइज डिफरेंशिएट कर सकते हो, ठीक है। स्टैटिक आप ऐसा नहीं है कि डिफॉल्ट और पैरामीटराइज्ड जो मेथड होते हैं वो सिर्फ डायनेमिक ही होते हैं, स्टैटिक के लिए आपको मैनुअली स्टैटिक लगाना पड़ता है। स्टैटिक अप्रोच कब डेवलप करना है, मैंने आपको समझाया था कि यदि आपको सिंगल मेमोरी क्रिएट करनी है, एक ही मेमोरी एलोकेट करानी है पूरे प्रोग्राम में किसी भी वेरिएबल के लिए, तो आप उसको क्या करोगे, स्टैटिक बनाओगे। और यदि आपको अलग अलग मेमोरी एलोकेट करानी है, ठीक है, डायनेमिक मेमोरी एलोकेट करानी है, उसके लिए क्या बनाओगे, डायनेमिक बनाओगे। तो मैंने बताया था कि 99% केस में डायनेमिक यूज होता है, सिर्फ 1% केस में ही स्टैटिक यूज होता है, ठीक है। तो देखो एक प्रोग्राम्स के थ्रू हम इन सभी को डिफाइन